कौन बनेगा करोड़पति का 11वां सीजन अब धीरे धीरे शवाब पर पहुंच रहा है। केबीसी के प्रसारण की धमक घर घर में पहुंच गई है। ऐसे में अब ये गेम शो कई तरह की जानकारियों का स्रोत बनता जा रहा है। कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन में गांधी जयंती के अवसर पर नियमित शो को टालक गांधी जयंती कर्मवीर स्पेशल शो में गांधी फॉलोवर बिंदेश्वर पाठक के साथ क्विज शो खेला गया। बिंदेश्वर पाठक को भारत में सुलभ शौचालय का जनक माना जाता है। कर्मवीर स्पेशल शो में बिंदेश्वर पाठक का साथ देने के लिए मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के कमिश्नर आशीष सिंह को बुलाया गया था। शो के दौरान आशीष ने लोगों से पूछा यहाँ किस किस ने सुलभ शौचालय का इस्तेमाल किया है। इस पर कई लोगों ने अपने हाथ उठा दिए। इस पर अमिताभ बच्चन ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी के बड़े हैरान कर देने वाले वाकये बताए। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक की वजह से उन्हें कई बार परेशानी झेलनी पड़ी है। ऐसे में वो कई बार पास के किसी अनजान घर में चले जाते और उनसे टॉयलेट आदि के इस्तेमाल के लिए परमिशन मांगते थे। अमिताभ ने बताया कि सुलभ शौचालय बनने के बाद से उन्हें काफी राहत हुई है। अमिताभ बच्चन की परेशानी सुनने के बाद बिंदेश्वर पाठक ने उन्हें पेशाब रोकने का अजीबोगरीब तरीका बताया। इसे सुनकर खुद बिग बी भी हैरान रह गए। बिंदेश्वर पाठक के मुताबिक हथेली में छोटी उंगली के पास दबाकर अगर वहां पर वर्गाकार आकार में घुमाया जाए तो पेशाब करीब 2 घंटे के लिए रुक सकती है। ये तरीका जानने के बाद अमिताभ ही नहीं वहां मौजूद कई लोग हैरान रह गए। इसके बाद खुद अमिताभ बच्चन ने स्टेज से ही बिंदेश्वर पाठक के बताए गए तरीके की प्रैक्टिस की और हंसी हंसी में उनसे कहा, आपके चरण कहाँ है, चरण स्पर्श। न्यूज डेस्क।